हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का है मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेल्फ हेड मसाज के बारे में, यानी कि आप खुद से अपने सर की मसाज तेल के साथ किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ 7 स्टेप बताएंगे ऐसे, जिसको आप ध्यान से देखिएगा कि आप अपने सिर की मालिश किस तरह से कर सकते हैं, और वो भी खुद से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर की मालिश करने के लिए हम किसी को कहते हैं कि हम किसी की मदद से अपने सर पे जो हेड मसाज करवाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान से इजी से स्टेप बताएंगे कि आपने किस तरह से अपनी सेल्फ हेड मसाज करनी है, और उस हेड मसाज से आपका जो सिर है, जो आपका हेड है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा, और जो इसी के साथ जो आपके बाल हैं उनकी जड़ें भी मजबूत होंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि हमें कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, वैसे तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अपने हेड पर हमेशा मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूं। क्योंकि क्या है कि ये जो मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल है, ये पुराने समय से इसका जो यूज़ है वो होता आ रहा है, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो मार्केट्स में बहुत तरह के ब्रांड्स जो हैं हेयर ऑयल के आ चुके हैं, लेकिन मैंने इसके अलावा सिर्फ आंवले का तेल ही यूज़ किया है। लेकिन जब भी मुझे चंपी करनी होती है, हेड मसाज देनी होती है अपने सर को, तो मैं सरसों का तेल हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से अपने सर की हेड मसाज करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो सरसों का तेल है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके सर के लिए, क्योंकि इससे जो है बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं, और जो आपके बालों की जो शाइन है वो भी बनी रहती है, जो आपके डैमेज हेयर हैं वो भी रिपेयर होते हैं, और इसके साथ जो आपकी सर है वो उसको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको कौन कौन से ऐसे स्टेप्स बता रही हूँ, और बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप खुद से ही अपने घर पर अपने हेड मसाज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सेल्फ हेड मसाज। उसके लिए मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप इसके अलावा आप कोई भी अपना मनपसंद का हेयर ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा हेड मसाज के लिए जब भी मुझे सर धोना होता है तो उसके 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले मैं अपने हेयर्स को हेड मसाज देती हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपने ध्यान से देखना है कि मैं कौन कौन से स्टेप करने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बालों के 2 हिस्से कर लेने हैं। अपने सर की जो सेंटर पॉइंट है उसमें अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लीजिए, और उसके बाद अपने सर के बिल्कुल सेंटर पर इस ऑयल को लगाकर धीरे धीरे आपने अपने हाथों से चंपी करनी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह की कई बार पार्लर्स में, सैलून्स में चंपी कराने के लिए इस तरह हाथों से अपने धीरे धीरे लोग चंपी करवाते हैं, तो इसी तरीके से आपने भी अपने हाथों से अपने बालों पर धीरे धीरे से चंपी करनी है। और सेकंड स्टेप है, फिर उसी हाथों से आपने धीरे धीरे रब करना है, अपने बालों को रगड़ना है। तो जड़ों में ये जो क्या है, ये जो तेल है वो आपके बालों की जड़ों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि आपके बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ऐसे में जो आपका जो सर है अगर दर्द हो रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो आपने अपने हाथों से, हल्के हल्के हाथों से इसको रब करना है। और इसी के साथ आपने क्या करना, हमारा अगला स्टेप है अपने बालों को 2 पीछे से लेकर आगे तक अलग अलग पार्ट में कर लीजिए, और जो अपने बालों में धीरे धीरे आपने तेल लगाना है। एक एक स्कैल्प पर अपने बालों को हटाकर अच्छे से उंगलियों से आपने तेल को अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाना है, और हल्की उंगलियों से साथ साथ आपने मसाज भी करनी है। तो इसी तरीके से आपने आपने जो 2 पार्ट किए हैं बालों के, जो आपका ये इस पार्ट पर आप अच्छे से जितनी भी बालों की जड़ें हैं अच्छे से तेल को अप्लाई कर दें, अच्छे से पीछे तक आप अच्छे तरीके से अपने बालों पर इस तेल को अप्लाई करें, और अपने हाथों की उंगलियों से धीरे धीरे मसाज भी करते रहें। और ठीक इसी तरह आपने दूसरी साइड पर भी सेम आपने इसी तरीके से मसाज करनी है। अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से तेल लगाना है, उंगलियों पर आप अपने उंगलियों की जो ये टिप्स होती हैं उसमें अच्छे से तेल लगाकर बालों की जड़ों पर अच्छे से आप मसाज करें। आप अच्छे से सारी जड़ों पर तेल को अपने उंगलियों से लगा लें और मसाज करें। ये हो गया हमारा ये वाला स्टेप। तो इसके बाद हम बात करते हैं
आपने क्या करना है, आपने अपने हाथों पर तेल लगाकर, उंगलियों पे ऐसे तेल लगाकर आपने अपने बालों के दोनों साइड पर ऐसे अंदर अंदर से उंगलियों को ले जाते हुए आपने मसाज करनी है धीरे धीरे अपने बालों पर। इस तरह से आपने मसाज करनी है। इसके साथ क्या होता है, जो ऑयल होता है वो आपकी बालों की जड़ों पर अच्छे से लग जाता है और जो बाल की जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं और जिन लोगों को बाल झड़ने की समस्या है वो दूर हो जाती है। और ठीक इसी तरह आपने ऐसे ही मसाज बिल्कुल सेम आपने पीछे की तरफ, सर के पीछे की तरफ करनी है ताकि जो तेल है अच्छे से आपके सारे सर पे, बालों की हर जड़ों पर अच्छे तरीके से लग जाए। धीरे धीरे आपने सारे सर पे, अपने उंगलियों पे तेल लगाकर आपने अच्छे तरीके से अपने बालों की मसाज करनी है। इस मसाज को करने से आपके जो आपका जो सर है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। तो आपने कुछ देर तक, कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपने ऐसे ही अपनी उंगलियों से अपने बालों की मसाज करनी है, जड़ों की अच्छे तरीके से मसाज करनी है। और फिर आपने क्या करना है, उसके बाद अगला स्टेप है हमारा ये, आप जो आपका यहाँ पे जो ब्रेन होता है यहाँ पे आपने थोड़ा सा तेल लेकर कुछ देर तक आपने सर्कुलर मोशन पे आपने अपने हाथों को घुमाना है। ठीक उसी तरह दूसरी साइड भी आपने इस तरह से तेल को लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराते हैं, तो आपका जो माइंड है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। तो इसी तरीके से आपने दोनों हाथों से सारे अपने पूरे सर पे सर्कुलर मोशन पे आपने अच्छे से मसाज करनी है। अगर आप अपने सर को, हेड मसाज को अगर आप ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं तो आप इन्हीं स्टेप्स को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद आपने फिर से अपने बालों के दो हिस्से कर लेने हैं और पीछे की तरफ जो स्कैल्प रह जाती हैं वहाँ पे भी आपने अच्छे से हाथों से अपने तेल लगाना है ताकि बालों का किसी व सिर का कोई भी हिस्सा ऐसा ना रह जाए जहाँ पे ऑयल ना लगे। फिर आपने अपने हाथों पे अच्छे से तेल लगाकर अपने सभी बालों पर अच्छे से तेल लगाना है। ठीक उसी तरह आपने दूसरी साइड पर भी हाथों पर तेल लगाकर अपने दूसरी साइड पर भी अपने बालों पर अच्छे से तेल की मसाज करनी है। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, कई जो लेडीज़ होती हैं वो सिर्फ बालों पर ही तेल लगाती हैं, जड़ों पर नहीं। लेकिन अगर आप बालों को, अगर आप जो ऑयल है अगर आप अपने जड़ों पर लगाएंगे तो आपके बालों को नेचुरली पोषण मिलेगा। तो मैंने इस वीडियो में अपने सर की जड़ों के बाद अपने बालों पर भी ऑयल लगाया है, फिर इसके बाद मैंने अपने फोरहेड की मसाज की है, आपको बताई है। ऐसे आपने एक स्टेप इसको भी आपने फॉलो करना है, सेंटर से फोरहेड जो आपका माथा है यहाँ सेंटर पॉइंट से लेकर आपने अपने ब्रेन तक, जो ये दिमाग है इस पॉइंट तक आपने हल्के से प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है दोस्तों, ये हेड मसाज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों की उंगलियों को लॉक करके इस तरह से अपने हल्के हल्के जो है थैलियाँ हैं उनसे अपने सर को धीरे धीरे से दबाना है, बहुत हल्के हाथों से। और दबाते हुए आपने अपने सर को पीछे तक, अपने हाथों को पीछे तक ले जाना है। फ्रंट से आपने माथे से स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे पीछे तक हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए आप अपने सर को मसाज दीजिए। और फिर उसके बाद सेम यही स्टेप आपने उंगलियों के टिप्स के साथ करना है। फिर आपने अपने माथे के साइड पर भी ये जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से प्रेस करना है दोनों साइड से। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान में रख के अगर आप अपने सर पे हेड मसाज देंगे
तो ये बहुत ज़्यादा आपके बालों के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके सर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो प्लीज़ जिस दिन अगर आपने अपने हेयर वॉश करने हैं या फिर नहीं भी करने हैं, तो आप कभी भी अपने घर पे इस तरह की हेड मसाज अपने सर पे दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने सर पर ऑयल लगाने के बाद, मसाज देने के बाद, आपने अपने बालों का अच्छे तरीके से एक रबड़ बैंड लगाकर आप अच्छे से इसको जूड़ा बांध सकते हैं, इसके जूड़ा बांध लें, ताकि जो ऑयल है, क्योंकि खुले बाल रखने से क्या होता है, जो ऑयल होता है वो आपके कपड़ों में भी लग जाता है, कई बार बेड पर लेटने की वजह से आपके जो पिलोज होते हैं उस पर भी लग जाता है। तो ये आज का हमारा हेड मसाज था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको खुद से सेल्फ हेड मसाज करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसको करने के दो दो फायदे हैं। सबसे पहला ये कि आप इससे आपका जो सर है, जो दिमाग है, वो काफ़ी रिलैक्स फील करेगा, और दूसरा ये है कि जो आपके बालों की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। पर अगर आप किसी भी हेयर ऑयल की बजाय अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, तो उसके साथ आपके बालों की जड़ें भी मजबूत होंगी और साथ ही साथ आपके जो बाल झड़ने की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, और इसी के साथ आपके जो बाल हैं, जो आपके हेयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा शाइन करने लगेंगे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।